करके बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु। हाँ ये बात। तो क्या हुआ, गुरु नानक जी जो थे ना वो बहुत बड़े संत थे, है ना, सब जानते हो ना। तो गुरु नानक जी संत थे और वो रोज सुबह सुबह उठते थे 4 बजे अमृत वेले में। अमृत वेला किसको कहा जाता है, जो 3 से 4 बजे का सुबह सुबह का समय होता है ना उसको अमृत वेला कहते हैं। क्यों बंटी, तुम तो जानते हो ना, दादी बताती है ना अमृत वेले भजन करो भजन करो, तो वही अमृत वेला होता है। तो गुरु नानक जी रोज सुबह उठते और अपने शिष्यों को साथ में लेके और नदी पे नहाने जाते थे। भाई उस जमाने में तो ये फुआरा बाथरूम नल वल नहीं होते थे ना, नदी तालाब कुएं यही होते थे। तो जो गुरु नानक जी थे वो नदी में स्नान करने जाते और वापस आके पाठ पूजा करते और भगवान का नाम लेते। तो एक दिन ऐसे ही वो नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते उन्होंने क्या देखा, जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा एक बिच्छू ना बहता हुआ चला जा रहा था पानी में। उन्होंने देखा अरे बेचारा बिच्छू बह रहा है, उन्होंने झट से हाथ बढ़ाया और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की और बिच्छू उनके हाथ पे बैठ के बाहर आने लगा। और जैसे ही वो उसको बाहर लाने लगे इतने में बिच्छू ने डंक मार दिया डर के मारे और वो एकदम जो गुरु नानक जी थे उनका हाथ कप कप आ गया और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। अब उन्होंने देखा अरे बिच्छू फिर से बह गया और उनके शिष्य भी देख रहे थे ये सारा नजारा। उन्होंने फिर से हाथ बढ़ाया, फिर से बिच्छू को हाथ में लिया और फिर बाहर लाने लगे और जैसे ही बाहर लाते 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 फिर से बिच्छू ने डंक मार दिया। लेकिन इस वक्त क्या हुआ था, इस बार वो पानी के बाहर की साइड जमीन पे जाके गिर गया। अब उन्होंने देखा जमीन पे गिर गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने हाथ को पानी में ऐसे ऐसे हिलाया और फिर से डुबकी लगाई और भगवान का नाम लेके बाहर निकल आए। अब जो उनके शिष्य थे ना वो ये सारा नजारा देख रहे थे, तो उन्होंने कहा गुरु जी आप भी कमाल करते हैं, वो बिच्छू था जो आपको काटे जा रहा था और आप थे कि उसको बचाने पे लगे हुए थे, ऐसा क्यों? तो गुरु जी ने कहा देखो अगर वो छोटा सा प्राणी अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ, मुझे भगवान ने पुरुष बनाया है, तो मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ दूँ। हमारे को क्या मिला है आदतों में कि हम लोगों की भलाई करें, जान बचाएं, किसी को मारे नहीं। तो इसलिए उसने उसका काम किया और मैंने मेरा काम किया, ठीक है ना। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। शबरी का नाम तुम सबने सुना है? हाँ, वही शबरी जो राम का गुणगान किया करती थी, हमेशा राम का इंतजार करती थी। तो जो शबरी थी ना वो जंगल में छोटी सी कुटिया बना के और रहती थी और हमेशा राम 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 करती रहती थी। और सारे पशु पक्षी जानवर बड़े छोटे शेर चीता भालू सब के सब उनके आसपास आके बैठ जाते थे और वो सबको दुलार से प्यार से पुचकारती थी, प्यार करती थी और सब उनके आसपास घूमते रहते थे और राम राम करती रहती थी शबरी। अब एक दिन क्या हुआ कि शबरी की कुटिया के सामने से एक संत महात्मा गुजरे। अब संत महात्मा गुजरे तो वो शबरी की कुटिया की तरफ आने लगे और जैसे ही वो कुटिया की तरफ आते जा रहे थे तो जो पशु पक्षी थे पहले वो उड़ गए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे जानवर जो गिलहरी कोई स्पैरो जो चिड़िया छोटी वाली वो, फिर चूहा, ये सब भागने लगे। फिर थोड़ी देर में क्या देखा तो शेर और हाथी और भालू ये भी सब भागने लगे और सब दूर चले गए। अब संत महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने आके शबरी को बोला शबरी बहन ये सारे पशु पक्षी तुम्हारे पास तो प्यार से बैठे हुए थे लेकिन मेरे आते ये भाग क्यों गए? तो शबरी ने कहा कि महाराज माफ करिएगा, आप ये बताएं मुझे कि क्या आप मांसाहारी हैं, क्या आप मांस खाते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं खाता हूँ। तो शबरी ने बोला बस इसीलिए सारे पशु पक्षी ना चले गए। अब आप ये जानिए कि जैसे हमारे अंदर प्राण है, जैसे हम समझते हैं कि हमें कौन प्यार करता है और कौन हमें प्यार नहीं करता, ऐसे पशु पक्षी भी समझते हैं कि उन्हें कौन प्यार करता है और कौन प्यार नहीं करता। इसलिए आप मांसाहारी हैं तो आपसे डर के सारे भाग गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, हमेशा शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में प्राण बसते हैं, सभी जीव प्यार को और घृणा को महसूस करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव के एक तालाब में एक कछुआ रहता था, बहुत प्यारा सा छोटा सा, और उसके दो मित्र थे बगुले। बगुले जानते हो ना जो सफेद कलर के होते हैं, टक 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 ऐसे करके पूरे पानी में घूमते रहते हैं और जहां मछली दिखी फक से पकड़ लेते हैं। तो वो दो थे बगुले और एक था कछुआ। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, रोज तीनों एक साथ खेलते थे कूदते थे, पानी में इधर उधर विचरते रहते थे, घूमते रहते थे और मस्ती करते थे। एक बार क्या हुआ, अचानक ना बारिशों के दिनों में बारिश नहीं आई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। अब जब हर तरफ सूखा पड़ता था तो फिर तालाब कैसे रहता?
मसाला भी सूखने लगा। अब बेचारे बगलों को भी परेशानी हुई और कछुए को भी, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो मछलियां कहाँ रहेंगी और मछलियां नहीं रहेंगी तो बगले खाएंगे क्या, और कछुआ भी परेशान कि अब होगा क्या। तो बगलों ने कहा कि भाई हम तो यहाँ से कहीं दूर जाएंगे क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो कछुआ बोला, अरे तुम लोग चले जाओगे तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मेरा तो और कोई दोस्त ही नहीं है, प्लीज मुझे भी ले चलो। तो बगले जो थे वो ना सोच में पड़ गए, उन्होंने बोला क्या करें क्या करें, भाई कछुए भैया देखो हम तो उड़ के चले जाएंगे, हमारे पास तो पंख है, लेकिन तुम कैसे जाओगे, तुम तो चलोगे भी तो बहुत धीरे धीरे, फिर करें तो क्या करें। तो कछुआ बेचारा रोने लगा कि नहीं नहीं कुछ सोचो सोचो, मुझे भी साथ ले चलो। तो बगले ने कहा अच्छा चलो एक आइडिया आया है, पर देखो जो हम कहेंगे वो तुम्हें मानना होगा। कछुआ ने बोला हाँ हाँ मैं मानूंगा, आखिर हमारी दोस्ती पक्की है, हम को तीनों को एक साथ खेलना, हम यहाँ नहीं तो कहीं और खेलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बगलों ने एक जुगत बिठाई और उन्होंने एक डंडी ढूंढ के लाए और दोनों ने कहा कि हम इसको अपनी चोंच में पकड़ लेंगे ऐसे, और तुम एक काम करना अपने मुंह से ऐसे दबा लेना डंडी को, है ना, और जब डंडी यूं दबेगी तो एक ने इधर पकड़ा एक ने इधर पकड़ा और यूं पकड़ के हम उड़ने लगेंगे और तुम भी हमारे साथ उड़ते हुए चले जाओगे। कछुआ बड़ा खुश हो गया, अरे वाह 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 इतना बढ़िया आइडिया है, तो जरूर जरूर हाँ हाँ जरूर मैं ऐसे ही करूंगा। फिर बगलों ने एक डंडी ढूंढी, उसको दोनों ने पकड़ के उनको उड़ के दिखाया और फिर वापस बैठ गए। उसके बाद कछुए से कहा अब तुम मुंह से पकड़ो, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह मत खोलना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कछुए ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, चलो चलो चलो। अब दोनों ने डंडी पकड़ ली, कछुआ उसमें लटक गया और तीनों मजे से उड़ने लगे, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, उड़ते जा रहे थे और कछुआ सब ऐसे मुंह में दबा के ऐसे ऐसे उड़ता जा रहा था, सोचता जा रहा था अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, और बगले उड़ते जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो किसी शहर के ऊपर से गुजरे तो लोग नीचे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा अरे दो बगलुए हैं और एक कछुआ है उड़ता जा रहा, तो सब लोग ताली बजाने लगे शोर मचाने लगे, बगुआ कछुआ बगला कछुआ बजला कछला, तो सबके सब चिल्ला रहे थे। इतने में कछुए से रहा नहीं गया और उसने आओ देखा ना ताओ, और उसने बोला अरे बगले भैया दे, ओह इतने में कछुआ नीचे गिर गया और नीचे गिर के बेचारा मर गया। अब मरते हुए सांस आखिरी ले रहा था और अपनी मूर्खता पे पछता रहा था कि काश मैं मुंह नहीं खोलता। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जब कोई कुछ कहे ना तो उसकी बात मान लेना चाहिए, जिसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम्हें मान लिया करो, है ना। सत्यनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी हमेशा इसी नाम का गुणगान करते थे, उनके एक हाथ में माला और एक हाथ में इकतारा रहता था और वो हमेशा इकतारा बजाते रहते थे और सबको बोलते थे देखो जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक ही हैं, ईश्वर अल्लाह सब एक ही रूप हैं, एक ही नूर है, एक ही नूर से सारा जग उपजा हुआ है, आप लोग लड़ाई मत किया करो, सब एक ही बंदे हैं, एक ही नूर से उपजे हुए लोग हैं। लेकिन कोई मानता ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते रहते थे और अपने शिष्यों को साथ में लेके सत्यनाम श्री वाहेगुरु सत्यनाम श्री वाहेगुरु कहते कहते अपना प्रचार करते रहते थे, और कभी जंगल में कभी शहरों में कभी गाँव में कभी नदी कभी तालाब सबसे निकलते हुए चलते रहते थे। एक बार चलते चलते क्या हुआ कि वो थोड़ा थक गए थे, और वो थक गए थे तो उन्होंने सोचा चलो मेरे शिष्य भी थक गए होंगे, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं मर्दाना, थोड़ा सा लंगर संगर छक के यहाँ पे और हम लोग ना आराम कर लेते हैं। तो मर्दाना ने कहा हाँ गुरुजी। अब जो जो थे सारे के सारे लोग वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्यार से लंगर छका, लंगर इन्हें दाल रोटी, उस टाइम गुरुद्वारे में लंगर कहते हैं ना दाल रोटी को, हाँ वही लंगर, तो उन्होंने लंगर छका छका इन्हें खाया, लंगर खाया और आराम करने लगे, और गुरु नानक देव जी भी एक पेड़ के नीचे लेट गए चुपचाप। अब वो जैसे ही लेट गए तो उनको नींद आ गई, अब नींद आ गई तो वो गहरी नींद में थे, इतने में अचानक उन्होंने क्या सुना कि कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है क्या है तू यहाँ कैसे सोया हुआ है तेरी हिम्मत कैसे हुई। अचानक गुरु नानक देव जी ने आँख खोल के देखी कि क्या हुआ, तो देखा एक मौलाना बिल्कुल उम्र दराज मौलाना, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी, और वो चिल्ला रहे थे कि तुमने ये क्या किया है, मस्जिद की तरफ पैर रख के सोए हुए हो तुम, तुमको शर्म नहीं आती। अब गुरु नानक देव जी उसकी शक्ल देखने लगे और उन्होंने कहा नहीं मौलाना मैंने ऐसा नहीं किया है, वो तो मैं सोया था और मेरे पैर नींद में ऐसे हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारे पैर यहाँ से हटाओ। उन्होंने कहा मौलाना एक काम करिए ना जिस साइड मस्जिद नहीं है आप मेरे पैर उधर कर दीजिए। अब मौलाना को गुस्सा आया कि ये इतनी हिमाकत कि हमारे सामने जुबान लड़ा था, उन्हें पैर पकड़े और ऐसे करके हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया और हटने लगे तो देखा मस्जिद पीछे, अरे
मौलाना ने कहा ये कहा, मैंने उधर देखा था वहां मस्जिद थी, तब इस पैर इधर थे, अब मैंने इनके पैर इधर कर दिए तो मस्जिद इधर हो गई। फिर उनको ध्यान से देखा, फिर मौलाना ने पैर पकड़े और फिर उधर कर दिया। अब क्या देखते हैं कि मस्जिद इधर से इधर आ गई। अब मौलाना को समझ में आया कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर कोई चमत्कारिक पुरुष है। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये बताइए आप कौन है। तो गुरु नानक जी देव जी ने बोला कि देखो भाई मैं तो आम इंसान हूँ, है देखो तुम भी एक आम इंसान हो, मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन तुम लोगों के मन में ये भावना जो है वो गलत है कि मंदिर मस्जिद में ही भगवान बसते हैं। सच बात तो ये है कि भगवान सबके मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं, खुद में बसते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं। इसलिए तुम मस्जिद को मानते हो तो तुम जिधर मेरे पैर कर रहे हो उधर तुमको मस्जिद दिखाई दे रही है, अगर यही काम कोई पंडित जी कर रहे होते तो उन्हें मंदिर दिखाई देता। तो आपको क्या समझ में आता है कि मंदिर और मस्जिद में भगवान नहीं बसते, भगवान कहाँ बसते हैं? इंसानों के दिलों में, प्यार में। क्या हुआ, जंगल में जो शेर होता है वो राजा होता है जंगल का, है ना, और सब लोग उससे डरते हैं। अब एक बार एक शेर शिकार करके आया और खा पी के शांति से सोया हुआ था, जैसे तुम लोग सो जाते हो ना घर जाके, अपना बस्ता इधर पटका उधर पटका जाके सो गए और मम्मी से कहते हैं हमको डिस्टर्ब मत करना, ऐसे शेर भी सो गया। अब शेर सो रहा था गहरी नींद, घर्राटे भर रहा था। इतने में एक चूहा वहां से निकला और कुट 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 करता हुआ अचानक शेर की पीठ पे चढ़ गया और कूदने लगा, वो भी खुश था। अब शेर गहरी नींद में सो रहा था, इतने में चूहा कूद रहा था टुड़ुक टुड़ुक टुड़ुक। अब शेर ने एक दो बार ऐसे पंजा मारा लेकिन शेर का पंजा उस चूहे तक नहीं पहुंचा और चूहा जो था कूदता रहा। इतने में शेर की नींद खुल गई, शेर को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मेरी नींद खराब करने वाला ये कौन प्राणी है, और उसने ऐसे जोर से हाथ मारा और चूहा जो था उसके पंजे में फंस गया। अब शेर ने उसको देखा कि ओहो तो ये छोटा सा चूहा मुझे परेशान कर रहा था, और जो चूहा था उस बेचारे की तो हालत खराब, उसके पसीने छूट गए, सुसू भी निकल गई उसकी, वो कांपने लगा। शेर राजा मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। शेर ने कहा तू, मैं सो रहा था तेरे को पता नहीं था? उसने बोला नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। कहता नहीं अब मैं तेरे को मारूंगा। इतने में कांपते 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 बेचारा बहुत उनसे ना रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं शेर राजा मैं आपके काम आऊंगा कभी, प्लीज छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। शेर को दया आई और हंसने लगा और उसने छोड़ दिया कि जा तू भी क्या याद करेगा। लेकिन वो चूहा चला जा रहा था और शेर उसको देख रहा था और हंस रहा था कि इतना सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, खैर छोड़ो, और फिर से सो गया शेर। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और काफी दिनों बाद शेर फिर शिकार के लिए निकला और शिकार कर ही रहा था। इतने में क्या हुआ, किसी शिकारी ने उसके ऊपर जाल फेंका और शेर फंस गया। अब शेर अगर किसी जाल में फंस जाए तो शेर क्या करेगा, दहाड़ने लगा, बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ कोई है, ये किसने किया है मुझ पे, मैं छोड़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा, जोर जोर से चिल्ला रहा था और पूरा जो जंगल था वो उसकी दहाड़ से गूंज उठा और हर तरफ से कहीं से भालू दौड़ा चलाया, कहीं से हिरण भागा चलाया, कहीं से खरगोश आ रहा है, कहीं से चिड़िया चे 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 कर रही है। अब ये सब हो रहा था, इतने में उस चूहे को भी आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो भी टुक 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 करता हुआ भागा हुआ चलाया। देखा सब लोग आसपास बैठे हैं और जो शेर है वो जो जाल था उसके अंदर बहुत हिलडुल रहा था, हटाओ हटाओ किसने किया ये। तो चूहे ने बोला शेर राजा आप शांति रखो, देखो मैं कुछ करता हूँ करता हूँ। तो शेर चुपचाप बैठ गया। अब चूहा आगे बढ़ा टुड़ुंग 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 और अपने छोटे छोटे बारीक बारीक दांतों से वो सारा जाल काटने लगा। और जो शिकारी था उसने देखा कि जाल कट रहा है, वो दुम दबा के भागा कि अरे बाप रे शेर निकलेगा तो सबसे पहले मुझे खाएगा। शिकारी भाग गया, वहाँ के जितने भी प्राणी थे भालू बंदर सब दूर दूर भागने लगे और शेर उसको काट के ऐसे देखने लगा। अब शेर भी सोचने लगा कि वाकई इस चूहे ने सही बात की थी कि मैं आपकी मदद करूँगा, कभी भी कोई भी किसी की मदद कर सकता है, किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसी विपत्ति आ सकती है ना, अगर मैं उस दिन इस चूहे को नहीं छोड़ता तो मेरी जान कौन बचाता। तो शेर को समझ में आया कि कभी भी किसी भी प्राणी को उसकी साइज यानी कितना छोटा या कितना बड़ा है उससे नहीं तोलना चाहिए, तोलना चाहिए कि उसमें क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकता है। इसीलिए कहा है कि छोटे से छोटा प्राणी भी कभी भी बड़े से बड़े काम आ सकता है। तभी तो कबीर ने कहा है ना कि जहाँ तलवार काम नहीं करती वहाँ पे सुई काम कर जाती है, समझे। अच्छा पहले सारे मिलके बोलो सतनाम श्री वाहे गुरु,
हाँ ये बात। तो क्या हुआ, गुरु नानक जी जो थे ना वो बहुत बड़े संत थे, है ना, सब जानते हो ना। तो गुरु नानक जी संत थे और वो रोज सुबह सुबह उठते थे 4 बजे अमृत वेले में। अमृत वेला किसको कहा जाता है, जो 3 से 4 बजे का सुबह सुबह का समय होता है ना, उसको अमृत वेला कहते हैं। क्यों बंटी, तुम तो जानते हो ना, दादी बताती है ना, अमृत वेले च भजन करो भजन करो, तो वही अमृत वेला होता है। तो गुरु नानक जी रोज सुबह उठते और अपने शिष्यों को साथ में लेके और नदी पे नहाने जाते थे। भाई उस जमाने में तो ये फुआरा बाथरूम नल वल नहीं होते थे ना, नदी तालाब कुएं यही होते थे। तो जो गुरु नानक जी थे वो नदी में स्नान करने जाते और वापस आके पाठ पूजा करते और भगवान का नाम लेते। तो एक दिन ऐसे ही वो नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते उन्होंने क्या देखा, जैसे ही डुबकी लगाई तो उन्होंने देखा एक बिच्छू ना बहता हुआ चला जा रहा था पानी में। उन्होंने देखा अरे बेचारा बिच्छू बह रहा है, उन्होंने झट से हाथ बढ़ाया और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की और बिच्छू उनके हाथ पे बैठ के बाहर आने लगा। और जैसे ही वो उसको बाहर लाने लगे इतने में बिच्छू ने डंक मार दिया डर के मारे और वो एकदम जो गुरु नानक जी थे उनका हाथ कप कप आ गया और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। अब उन्होंने देखा अरे बिच्छू फिर से बह गया और उनके शिष्य भी देख रहे थे ये सारा नजारा। उन्होंने फिर से हाथ बढ़ाया, फिर से बिच्छू को हाथ में लिया और फिर बाहर लाने लगे और जैसे ही बाहर लाते 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 फिर से बिच्छू ने डंक मार दिया। लेकिन इस वक्त क्या हुआ था, इस बार वो पानी के बाहर की साइड जमीन पे जाके गिर गया। अब उनने देखा जमीन पे गिर गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने हाथ को पानी में ऐसे ऐसे हिलाया और फिर से डुबकी लगाई और भगवान का नाम लेके बाहर निकल आए। अब जो उनके शिष्य थे ना वो ये सारा नजारा देख रहे थे, तो उनने कहा गुरु जी आप भी कमाल करते हैं, वो बिच्छू था जो आपको काटे जा रहा था और आप थे कि उसको बचाने पे लगे हुए थे, ऐसा क्यों। तो गुरु जी ने कहा देखो अगर वो छोटा सा प्राणी अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं तो अच्छा खासा इंसान हूँ, मुझे भगवान ने पुरुष बनाया है, तो मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ दूँ। हमारे को क्या मिला है आदतों में कि हम लोगों की भलाई करें, जान बचाएं, किसी को मारे नहीं। तो इसलिए उसने उसका काम किया और मैंने मेरा काम किया, ठीक है ना। बोलो सत्यनाम श्री वाहेगुरु। शबरी का नाम तुम सबने सुना है, हाँ वही शबरी जो राम का गुणगान किया करती थी, हमेशा राम का इंतजार करती थी। तो जो शबरी थी ना वो जंगल में छोटी सी कुटिया बना के और रहती थी और हमेशा राम 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 करती रहती थी। और सारे पशु पक्षी जानवर बड़े छोटे शेर चीता भालू सब के सब उनके आसपास आके बैठ जाते थे और वो सबको दुलार से प्यार से पुचकारती थी, प्यार करती थी और सब उनके आसपास घूमते रहते थे और राम राम करती रहती थी शबरी। अब एक दिन क्या हुआ कि शबरी की कुटिया के सामने से एक संत महात्मा गुजरे। अब संत महात्मा गुजरे तो वो शबरी की कुटिया की तरफ आने लगे और जैसे ही वो कुटिया की तरफ आते जा रहे थे तो जो पशु पक्षी थे पहले वो उड़ गए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे जानवर जो गिलहरी कोई स्पैरो जो चिड़िया छोटी वाली वो, फिर चूहा, ये सब भागने लगे। फिर थोड़ी देर में क्या देखा तो शेर और हाथी और भालू ये भी सब भागने लगे और सब दूर चले गए। अब संत महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने आके शबरी को बोला शबरी बहन ये सारे पशु पक्षी तुम्हारे पास तो प्यार से बैठे हुए थे लेकिन मेरे आते ये भाग क्यों गए। तो शबरी ने कहा कि महाराज माफ करिएगा, आप ये बताएं मुझे कि क्या आप मांसाहारी हैं, क्या आप मांस खाते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं खाता हूँ। तो शबरी ने बोला बस इसीलिए सारे पशु पक्षी ना चले गए। अब आप ये जानिए कि जैसे हमारे अंदर प्राण है, जैसे हम समझते हैं कि हमें कौन प्यार करता है और कौन हमें प्यार नहीं करता, ऐसे पशु पक्षी भी समझते हैं कि उन्हें कौन प्यार करता है और कौन प्यार नहीं करता। इसलिए आप मांसाहारी हैं तो आपसे डर के सारे भाग गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है कि हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, हमेशा शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि सभी जीवों में प्राण बसते हैं, सभी जीव प्यार को और घृणा को महसूस करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव के एक तालाब में एक कछुआ रहता था, बहुत प्यारा सा छोटा सा, और उसके दो मित्र थे बगुले। बगुले जानते हो ना जो सफेद कलर के होते हैं, टुक 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 ऐसे करके पूरे पानी में घूमते रहते हैं और जहां मछली दिखी फक से पकड़ लेते हैं। तो वो दो थे बगुले और एक था कछुआ। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, रोज तीनों एक साथ खेलते थे कूदते थे, पानी में इधर उधर विचरते रहते थे, घूमते रहते थे और मस्ती करते थे। एक बार क्या हुआ, अचानक ना बारिशों के दिनों में बारिश नहीं आई और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। अब जब हर तरफ सूखा पड़ता था तो फिर तालाब कैसे रहता, तालाब भी सूखने लगा। अब बेचारे बगलों को भी परेशानी हुई और कछुए को भी, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो मछलियां कहाँ रहेंगी और मछलियां नहीं रहेंगी तो बगले खाएंगे क्या।
और कछुआ भी परेशान कि अब होगा क्या। तो बगलों ने कहा कि भाई हम तो यहाँ से कहीं दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं। तो कछुआ बोला, अरे तुम लोग चले जाओगे तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मेरा तो और कोई दोस्त ही नहीं है, प्लीज मुझे भी ले चलो। तो बगले जो थे वो ना सोच में पड़ गए, उन्होंने बोला क्या करें क्या करें, भाई कछुए भैया देखो हम तो उड़ के चले जाएंगे, हमारे पास तो पंख है, लेकिन तुम कैसे जाओगे, तुम तो चलोगे भी तो बहुत धीरे धीरे, फिर करें तो क्या करें। तो कछुआ बेचारा रोने लगा, कहते नहीं नहीं कुछ सोचो सोचो, मुझे भी साथ ले चलो। तो बगले ने कहा अच्छा चलो एक आइडिया आया है, पर देखो जो हम कहेंगे वो तुम्हें मानना होगा। कछुए ने बोला हाँ हाँ मैं मानूंगा, आखिर हमारी दोस्ती पक्की है, हम को तीनों को एक साथ खेलना, हम यहाँ नहीं तो कहीं और खेलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बगलों ने एक जुगत बिठाई और उन्होंने एक डंडी ढूंढ के लाए और दोनों ने कहा कि हम इसको अपनी चोंच में पकड़ लेंगे ऐसे, और तुम एक काम करना अपने मुंह से ऐसे दबा लेना डंडी को, है ना, और जब डंडी यूं दबेगी तो एक ने इधर पकड़ा एक ने इधर पकड़ा, और यूं पकड़ के हम उड़ने लगेंगे और तुम भी हमारे साथ उड़ते हुए चले जाओगे। कछुआ बड़ा खुश हो गया, अरे वाह 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 वाह, इतना बढ़िया आइडिया है, तो जरूर जरूर, हाँ हाँ जरूर मैं ऐसे ही करूंगा। फिर बगलों ने एक डंडी ढूंढी, उसको दोनों ने पकड़ के उनको उड़ के दिखाया और फिर वापस बैठ गए। उसके बाद कछुए से कहा अब तुम मुंह से पकड़ो, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह मत खोलना, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कछुए ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, चलो चलो चलो। अब दोनों ने डंडी पकड़ ली, कछुआ उसमें लटक गया और तीनों मजे से उड़ने लगे, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, उड़ते जा रहे थे और कछुआ सब ऐसे मुंह में दबा के ऐसे ऐसे उड़ता जा रहा था, सोचता जा रहा था अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, और बगले उड़ते जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो किसी शहर के ऊपर से गुजरे तो लोग नीचे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देखा अरे दो बगलुए हैं और एक कछुआ है उड़ता जा रहा, तो सब लोग ताली बजाने लगे शोर मचाने लगे, बगुआ कछुआ बगला कछुआ बजला कछला, तो सबके सब चिल्ला रहे थे। इतने में कछुए से रहा नहीं गया और उसने आओ देखा ना ताओ, और उसने बोला अरे बगले भैया दे, ओह इतने में कछुआ नीचे गिर गया और नीचे गिर के बेचारा मर गया। अब मरते हुए सांस आखिरी ले रहा था और अपनी मूर्खता पे पछता रहा था कि काश मैं मुंह नहीं खोलता। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि जब कोई कुछ कहे ना तो उसकी बात मान लेना चाहिए, जिसे मैं कहती हूँ वैसे ही तुम्हें मान लिया करो, है ना। सत्यनाम श्री वाहेगुरु। गुरु नानक देव जी हमेशा इसी नाम का गुणगान करते थे, उनके एक हाथ में माला और एक हाथ में एक तारा रहता था और वो हमेशा एक तारा बजाते रहते थे और सबको बोलते थे देखो जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब एक ही हैं, ईश्वर अल्लाह सब एक ही रूप हैं, एक ही नूर है, एक ही नूर से सारा जग उपजा हुआ है, आप लोग लड़ाई मत किया करो, सब एक ही बंदे हैं, एक ही नूर से उपजे हुए लोग हैं। लेकिन कोई मानता ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते रहते थे और अपने शिष्यों को साथ में लेके सत्यनाम श्री वाहेगुरु सत्यनाम श्री वाहेगुरु कहते कहते अपना प्रचार करते रहते थे, और कभी जंगल में कभी शहरों में कभी गाँव में कभी नदी कभी तालाब सबसे निकलते हुए चलते रहते थे। एक बार चलते चलते क्या हुआ कि वो थोड़ा थक गए थे, और वो थक गए थे तो उन्होंने सोचा चलो मेरे शिष्य भी थक गए होंगे, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं मर्दाना, थोड़ा सा लंगर संगर छक के यहाँ पे और हम लोग ना आराम कर लेते हैं। तो मर्दाना ने कहा हाँ गुरुजी। अब जो जो थे सारे के सारे लोग वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने प्यार से लंगर छका, लंगर इन्हें दाल रोटी, उस टाइम गुरुद्वारे में लंगर कहते हैं ना दाल रोटी को, हाँ वही लंगर, तो उन्होंने लंगर छका छका इन्हें खाया, लंगर खाया और आराम करने लगे, और गुरु नानक देव जी भी एक पेड़ के नीचे लेट गए चुपचाप। अब वो जैसे ही लेट गए तो उनको नींद आ गई, अब नींद आ गई तो वो गहरी नींद में थे, इतने में अचानक उन्होंने क्या सुना कि कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा है क्या है तू यहाँ कैसे सोया हुआ है तेरी हिम्मत कैसे हुई। अचानक गुरु नानक देव जी ने आँख खोल के देखी कि क्या हुआ, तो देखा एक मौलाना बिल्कुल उम्र दराज मौलाना, उनकी इतनी लंबी दाढ़ी, और वो चिल्ला रहे थे कि तुमने ये क्या किया है, मस्जिद की तरफ पैर रख के सोए हुए हो तुम, तुमको शर्म नहीं आती। अब गुरु नानक देव जी उसकी शक्ल देखने लगे और उन्होंने कहा नहीं मौलाना मैंने ऐसा नहीं किया है, वो तो मैं सोया था और मेरे पैर नींद में ऐसे हो गए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा तुम्हारे पैर यहाँ से हटाओ। उन्होंने कहा मौलाना एक काम करिए ना जिस साइड मस्जिद नहीं है आप मेरे पैर उधर कर दीजिए। अब मौलाना को गुस्सा आया कि ये इतनी हिमाकत कि हमारे सामने जुबान लड़ाता है, उन्हें पैर पकड़े और ऐसे करके हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया और हटने लगे तो देखा मस्जिद पीछे, अरे मौलाना का ये कहा मैंने उधर देखा था वहां मस्जिद थी तब इस पैर इधर थे, अब मैंने इनके पैर इधर कर दिए तो मस्जिद इधर हो गई। फिर उनको ध्यान से देखा, फिर मौलाना ने पैर पकड़े और फिर उधर कर दिया।
अब क्या देखते हैं कि मस्जिद इधर से इधर आ गई। अब मौलाना को समझ में आया कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर कोई चमत्कारिक पुरुष है। तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, ये बताइए आप कौन हैं। तो गुरु नानक जी देव जी ने बोला कि देखो भाई, मैं तो आम इंसान हूँ, है देखो तुम भी एक आम इंसान हो, मैं भी एक आम